पे कॉन्ग्रेचुलेशन सॉन्ग के लिए, तो सबसे पहले सॉन्ग के थीम के बारे में जानेंगे कि सॉन्ग का थीम क्या है। सॉन्ग का थीम है स्प्रेड लव, एंड जो थीम में हम देख भी रहे हैं वेडिंग है, तो वेडिंग इज कॉल्ड फॉर लव एंड इट्स अ सेलिब्रेशन सॉन्ग। 420 नखरा 13 इज जस्ट लाइक आई एम रेडी टू हैंडल दैट नखरा ऑल्सो, सो इट्स जस्ट द फाउंडेशन ऑफ लव विच वी वॉन्ट टू सेलिब्रेट, एंड वेडिंग वाली थीम से अच्छे कोई लव की सेलिब्रेशन नहीं होती आई गेस, सो या दैट्स अ थीम। ओके, व्हाट यू वांट टू इवन इफ यू से दैट इट्स अ वेडिंग थीम, वेडिंग में जो मज़े भी होते हैं, जो ढोल बजता है, जो सारे डांस करते हैं एक साथ, एंड इट्स प्योर जॉय। द सॉन्ग इज़ ऑल्सो अबाउट दैट, इट्स वेरी अपबीट सॉन्ग। जब आप सुनते हो तो आपको लगता है कि अरे ये प्रॉपर बल्ले बल्ले वाइब वाला सॉन्ग। सो आई गेस वी ऑल व्हेन वी हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम वी ऑल वर लाइक दिस हैज़ दैट वाइब। सो द सॉन्ग इज़ फुल ऑफ फन, फुल जॉय, फुल मस्ती एंड फुल वेडिंग वाले मज़े। व्हाट अबाउट यू? हाँ जी, जो गाना है इट्स डेफिनेटली अ वेडिंग सॉन्ग, अ पार्टी सॉन्ग, और गाने में आप सुनेंगे लाइव शहनाई बजी है, ढोलक ढोल, तो पूरा पार्टी वाला गाना है, तो आई एम श्योर सबको बहुत पसंद है। ओके, यू नो गाने देख लिया कि वेडिंग सॉन्ग है, थीम भी बहुत प्यारा है, यू नो, लेकिन अगर आपके कैरेक्टर्स की बात करें तो किस तरीके का कैरेक्टर है इसमें आपका? मैं पूरी नखरे वाली लड़की हूँ, जो जिसके नखरे भी हैं, नखरे इन द सेंस उसके अपने प्यारे प्यारे टैंट्रम्स हैं, और शी हैज़ दैट नखरा, शी हैज़ दैट सॉफ्ट साइड, शी हैज़ दैट फियर्स साइड, शी इज़ डांसिंग सो वेल इन द सॉन्ग, अपनी तारीफ कर रही हूँ, बट शी इज़ प्योर ब्यूटी, प्योर धमाका, प्योर पटाखा, एंड दैट्स द गर्ल इन नखरा, द नखरा गर्ल। व्हाट डू यू वांट? सो माय कैरेक्टर इज़ लाइक अ उड़ता हुआ पंछी, तो लाइक व्हेन आई इन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो इफ़ यू सी कि जैसे शी इज़ बीटिंग समवन, किसी का एक धक्का लग गया था ये उसको भी मारिए, तो आई वॉज लाइक आई गॉट फैसिनेटेड, ओके नाउ हर, एंड देन ही बैंग इन द मिड ऑफ माई वे, एंड देन आई फाउंड अनदर लव, सो दैट्स ऑल अबाउट लव। जो नॉर्मली टिपिकल लव ट्राइंगल होता है कि जैसे लड़के आते हैं शादी में और लड़कियाँ भी आती हैं, तो लड़के की नज़र होती है लड़की पे, तो इस वीडियो में तन्मय और मेरी नज़र दोनों नितांशी पे, तो इन द एंड आई वेंट, सॉरी ब्रो, बट मैं भी अकेला घर नहीं गया। ओके, जैसे आपसे जानना चाहेंगे जब ये सॉन्ग आप धीरे से जानना चाहेंगे जब ये सॉन्ग आपके पास ऑफर आया, तो यू नो व्हाट मेड यू से यस फॉर दिस सॉन्ग? सो वी मेड मी हर्ट, तो मुझे सुन के ही बहुत अच्छा लगा, देन ग्लोबल देसी को सुनाया, उनको भी बहुत अच्छा लगा, एंड देन या एट वन क्लिक वी ऑल गॉट कनेक्टेड। जब नितांशी को भी गाना भेजा, शी गॉट क्लिक द वन, एक ही बार सुनने में, मैं भी एक ही बार सुनने में, ये शायद 100 बार बनाने में, और ग्लोबल देसी भी एक बार सुनने में, तो या इट वाज अ लाइक फॉर इट वाज अ टोटल म्यूचुअल, यू कैन से कि हम सब एक ही बारी में क्लिक हो गए थे। एंड ये गाना अभी इसलिए ही रिलीज़ किया है क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, सो व्हाट माय पर्सपेक्टिव वाज, आई वांट टू स्टार्ट माय लाइक ऑल ऑफ अस विद द फाउंडेशन ऑफ लव। पहला साल का बहुत ही ऑनर्स होते हैं, मुझे पता है, जैसे सैड सॉन्ग्स है, हैप्पी सॉन्ग्स है, रोमांटिक सॉन्ग्स है, वो सब में भी मैं कर चुका हूँ, बट दिस वॉज स्पेशल टू मी बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ईयर विद द सेलिब्रेशन ऑफ लव, विद द सेलिब्रेशन सॉन्ग, वेडिंग सॉन्ग, या दैट्स इट। For me, the song, as I told you, the vibe of the song, the lyrics of the song, it's pure nakhra, it's pure fun, and वो vibe भी connect हो गई कि हाँ ये one of those gana जो कोई भी wedding में मैं जाऊँगी I'll be like play this song is correct for wedding, like that's it। मैं आप सबको भी बोल रही हूँ, आप सबको भी जितनी शादियाँ हो रही हैं इधर उधर जहाँ पे भी जा रहे हो DJ वाले को बोलिए ये वाला गाना बजाए। तो ग्लोबल देसी रिकॉर्ड्स ने ऑब्वियसली मैं जो भी गाना बनाता हूँ आई लाइक टू फीचर इन माय ओन सॉन्ग्स, ग्लोबल देसी रिकॉर्ड्स उन्होंने भी सोचा कि अच्छा होगा कि मैं फीचर करूँ क्योंकि मैं कैरेक्टर को फिट करता हूँ, वो यंग वाइब जो है जो यूथ है यहाँ का, तो इसलिए उन्होंने कास्ट किया। इसका ये भी है कि लाइक व्हाई नॉट if you see Guru Randhawa, if you see anyone, like they feature in their songs, yeah. And why don't he, and ye to acha khasa dikhta bhi hai to kyun nahi, and
एंड बिसाइड दैट कि हाँ बस मेरा वो था कि लाइक यू नो इट्स कांट बी लाइक यू नो बस वो बीच में आके यू यू इट्स शुड बी अ स्टोरी बेस्ड समथिंग वेयर इट शुड हैव अ कॉन्सेप्ट सो वो उसी पे हमने पूरा यू नो एक जेल करके बनाया ओके लुक की बात करें तो लुक पे कितना वर्क किया गया है हम तीनों के लुक से बहुत वर्क किया गया था मेरे पे तो स्पेशली वी वर ट्राइंग लैंग्वेज आई रिमेंबर वन डे बिफोर आई रीच्ड फॉर द सॉन्ग एंड आई वाज रिहर्सिंग बिफोर दैट आई हैड माय कॉस्ट्यूम ट्रायल एंड आई हैड 4 to 5 लहंगास टू ट्राई ऑन एंड ऑल ऑफ देम वर वेरी प्रिटी सो व्हेन दे वर आस्किंग मी आई वाज लाइक ये भी प्रिटी है ये भी प्रिटी है ये भी प्रिटी है ये भी प्रिटी है बट दिस वन लहंगा इट हैड दैट हल्दी वाइब द येलो कलर प्लस इट हैज दैट पैटर्न्स एंड इट वाज वेरी प्रिटी सो आई वाज लाइक या लेट्स गो फॉर दिस वन What about your look? My like, I got few options and I like this yellow jacket one because it was a vibrant color and all that. And it was matching with my lehenga. Yeah, it was matching with her lehenga. That's right. And it was matching with V also. It was matching with Shikha also. So yeah, it's totally matching. But yeah, my was like, I will wear a bright color. So yeah, so my designer Nishant styled me with the yellow and white. कैसे होता है कि पहले एक आइडिया आता है कि किस टाइप का जॉनर बनाना है हमको या रोमांटिक बनाना है सैड बनाना है तो फिर मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा हूँ तो फिर हम राग को चुनते हैं या ऐसे कॉम्पोजिशन होती है गाने की उसके फिर जब धुन बन जाती है उसके बाद फिर हम लिरिक्स बनाते हैं तो इस गाने में प्रशांत इंगोले ने लिरिक्स लिखे हैं और एक ही बार में लिख दिए उन्होंने लिरिक्स उन्होंने मल्हारी भी लिखा है और बहुत सारे पॉपुलर गाने लिखे हैं तो ही इज़ अ वेरी एक्सपर्ट लिरिक्स राइटर तो उन्होंने ऐसे लिख दिया गाना और मुझे पहली बार में पसंद आ गया मुझे तो ऐसा है हाँ जी उन्होंने लिरिक्स सुनाए हाँ उन्होंने सुनाए लिरिक्स गाना नहीं सुना He's everywhere running like agar mere bhi solo take chal rahe hain he's like roaming here and there matlab he's like ye pura wo dekh kyunki I guess iska matlab wo first schedule of you can say of commercial shoot tha to main like hum apne solo shot de rahe hain hum dekh rahe hain wo bhi uske sath kood raha hai kabhi uske sath kood raha hai kabhi kisi ke upar kood raha hai to yeah enjoying the shoot in fact shoot ke beech mein the last part which you'll see in the song is where we all come together and we all do full Bollywood steps we do dinadinda we do all the Bollywood iconic steps and that was where the choreographer sir he told us ki ab aap karo free ho jao jo karna hai karo so we and I were like ki ab to mazedar sare steps karenge hum sare steps ke humne and that was the fun part because we all connected there yeah. so much वो हम चारों नाचे शिखा मैं नितांशी वी वो लाइक वो बेस्ट पार्ट इसलिए भी था कि लाइक नाउ वी डू डिड आवर नागिन डांस एवरीथिंग अपना छपरी टपरी सब डाल दिया था उसमें ओके भी यहाँ पे तो मस्ती मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती सेट भी आपने ही किया है यू नो टैग तो मिल चुका है तो आपको शेयर करना चाहिए इन दोनों की बातें जो इन्होंने कुछ किया वो सेट पर कुछ पोल खोलना चाहेंगे दोनों की नहीं ऐसी कुछ बोल तो नहीं है हमने बस बहुत मज़ा किया हम सब पहली बार मिले थे सेट पे और रिहर्सल्स में बहुत मज़ा आया हम नितांशी सेट पे आई थी 12 बजे रात को हमारा एक ऑलरेडी एक शूट हो रहा था पहले गाने का छोरी तो नेक्स्ट दिन नखरे का शूट था तो स्केड्यूल बहुत टाइट था तो हम दोनों छोरी पे शूट कर रहे थे फिर रिहर्सल करने आ रहे थे तो उसमें बहुत मज़ा आ रहा था कि हम पूरा आउटफिट में आ रहे हैं रिहर्सल कर रहे हैं फिर वापस जा रहे हैं शॉट देने मतलब ये समझो लड़का ले गया ओके सो कैसा रहा एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ में काम करने का आई रियली लाइक दैट अगर मैं नितांशी की बात करूँ तो शी इज़ यंग वेरी एनर्जेटिक एंड द बेस्ट पार्ट विच लाइक आई ऑनेस्टली रियली लाइक दैट शी इज़ वेरी क्विक लर्नर और आई लाइक मतलब ये मैं भी अपने अंदर ये क्वालिटी डाली है कि आई शुड बी अ क्विक लर्नर बिकॉज
कभी सेट पे टाइम नहीं होता है, कभी कुछ भी कंडीशंस हो सकती है, तो यू शुड बी अ क्विक लर्नर क्योंकि आप फ्लेक्सिबल एंड शी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी एडजस्टेबल एंड वेरी एक्सप्रेसिव ऑल्सो एज एन एक्टर, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम द थिएटर बैकग्राउंड, सो आई कैन यू नो लिटिल बिट टेल हर कि लाइक एक्सप्रेशन वाइज भी बहुत अच्छे थे इनके, एंड एनर्जी वाइज तो शी वॉज गुड, एंड ये भी थकी नहीं, मतलब सुबह 5-6 बजे तक विल डू, एंड ये दोनों तो जंप ही कर रहे थे, ये नहीं सोए, तब भी नहीं सोए, एक्साइटिंग वंस जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, और हम जो सो भी रहा था ना उसको भी उठा देते कि नहीं नहीं सोना नहीं है, यहाँ पे ये वाला पार्ट शूट कर रहे हैं हम, उसको भी हमने सोते हुए जगाया है। ओके, अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो क्या कुछ है पाइपलाइन में, आपको तो पता ही है बट फिर भी आपकी भी मुझे सुना जाता है। सो दिस मार्च माई फिल्म विद आमिर खान प्रोडक्शंस इज रिलीजिंग लापता लेडीज, एंड सेकेंडली आई एम डूइंग अ नेटफ्लिक्स सीरीज एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, प्लस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसी लाइन में है, एंड यू गाइस हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, सो आई गेस स्टे ट्यून्ड। सो आई हैव ऑलरेडी शॉट लाइक अराउंड 4 म्यूजिक वीडियोज एंड ऑल दैट, सो दैट विल बी रिलीजिंग वेरी सून एंड अनाउंसिंग, एंड माई फिल्म प्रोजेक्ट इज ऑल्सो announcing next month, so yeah, I'm keeping my finger crossed and just working hard. Okay, what about you? I have a number of songs coming this year, maybe 6 to 8 songs this year, and one of the collaborations is with Afsana Khan, so I'm looking forward to that a lot. So our song Nakra is out, and you can watch on Global Desi Records Nakra. Like, share, subscribe, comment, and do tag us, and give and comment, like चाहे गलत हो अच्छे हो, बट प्लीज़ कमेंट कि हम और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। या थैंक यू।